स्वागत है आपका इजी इंडियन किचन में। आज हम बनाएंगे मैदे से ऐसा कुछ मीठा और कुरकुरा जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। उसके लिए हमने 350 ग्राम मैदा लिया है और एक बड़ा चम्मच चीनी का डाला है, उसमें एक छोटा चम्मच नमक का डालेंगे और एक छोटा चम्मच मगरेला का। ये तीनों को हम अच्छी तरह से मैदे में मिक्स करेंगे। दोस्तों, अगर मैदे में घी डाला जाए तो तब उसका कुरकुरापन बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए तेल के बदले में मैंने 75 ग्राम अच्छा घी इसमें मिक्स किया है। अब इस घी को मैदे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे गूंदेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मैदे को बहुत अच्छी तरह से घी के साथ मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसलिए डालेंगे ताकि आटे में ज़्यादा पानी ना पड़ जाए और आटा लूज ना हो जाए। आटे को बहुत गठा हुआ गूंदेंगे। जब आटा गूंद जाएगा तो उसे हम रेस्ट करने के लिए 20 से 25 मिनट तक रखेंगे। हमारा आटा रेडी हो गया है। अब हम इसे कुछ देर तक ढक के रखेंगे। तब तक हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी के लिए 1 कप पानी हमने बॉईल करना है और उसमें 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी हम डालेंगे। अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद हम उसमें कोई भी फ्लेवर डाल देंगे। मैंने इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून डालना है। थोड़ा सा बॉईल हो जाए पानी तो फिर हम उस इलायची पाउडर को डालेंगे। एक तार की चाशनी बनाएंगे। आधा चम्मच इलायची पाउडर डाला है। एक तार की चाशनी ताकि ज़्यादा ना पतली हो और ना ज़्यादा घनी। हमारी चाशनी रेडी हो गई है। उसे थोड़ा सा ढक के रख देने से वो थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। आटा भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम उसे छोटी छोटी भाग में बांट के उसको लोई लेके हम रोटी बेलेंगे। बराबर के हम लोई बना के बराबर की रोटियां ही बनाएंगे ताकि जो शेप हम देंगे वो भी सब एक ही समान निकले। रोटी को बेलने के लिए हमें ना तो कोई तेल की ज़रूरत पड़ती है और ना ही कोई सूखा मैदे की। रोटी ऐसे ही बहुत अच्छी तरह से हम बेल सक रहे हैं। सारी रोटियां एक ही बराबर आकार की बनाएंगे। उसके लिए हम लोग एक दूसरे के ऊपर रोटी रख के ताकि सब रोटियां एक ही बराबर के शेप के हों, हम एक दूसरे के ऊपर रोटी रख के बेलेंगे। जब सब बेल जाएंगे दोस्तों, ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो आप उसको ज़रूर से बनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। हमने रोटियाँ 2-3 बेल ली हैं, ना पतली और ना ज़्यादा मोटी। थोड़ा सा तेल डालने से एक दूसरे के ऊपर रोटी चिपकेगी नहीं।
उसके ऊपर सूखा मैदा थोड़ा छिड़क देंगे। हम जो इस मीठे को शेप देंगे वो ताकि बराबर के सब निकलें, इसीलिए रोटी भी बराबर की होनी ज़रूरी है। आटा बहुत ही अच्छा गूंदा है और खस्ता बहुत ही, ये मीठा जो बनेगा वो बहुत खस्ता बनेगा, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब हमने सब रोटियां एक दूसरे के ऊपर रख दी हैं और एक ही आकार में, ताकि एक ही साइज़ की बने, हम उसे बेल रहे हैं। अब हम एक एक करके इसको शेप देंगे। घी और थोड़ा सा मैदा छिड़कने के कारण जो है रोटियां एक दूसरे के साथ चिपकी नहीं हैं। अब हम इसे चार भाग में इस सर्कुलर रोटी को काटेंगे और फिर जो चार आकार हुए हैं उसे भी दो भाग में बांटेंगे। इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से शेप देंगे और बहुत ही सुंदर लगेगी ये जब बन जाएंगे। अब ये हम चौड़े वाले हिस्से से नैरो हिस्से तक हम इसे ऐसे ही रोल करेंगे और जब टिप तक पहुँचेंगे तो हम उसको थोड़ा सा उंगली में पानी डाल के हम उसे चिपका भी सकते हैं अगर लगे कि वो लूज़ बना है। हल्का सा पानी लेके उंगली के साथ हम उसे अच्छी तरह से दबा के रख सकते हैं ताकि वो फ्राई करते वक्त खुल ना जाए। चौड़े हिस्से से, जैसे कि मैंने बोला, उसको रोल करते हुए टिप तक ले जाएंगे और उस टिप को फिर हल्का पानी, अगर ज़रूरत लगे तो आप उंगली में थोड़ा सा पानी लगा के उसे चिपका सकते हैं। ये शेप बहुत ही सुंदर लगेगा। अब हल्का गरम जब हो तेल तो हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए अब इतना सुंदर फ्राई एक साइड से जब हो जाएगा तो हम उसको बदल देंगे, हल्का हल्का हिला देंगे। हमारे तैयार हो गई है। अब हम इसे चाशनी में डुबो के निकाल लेंगे। ज़्यादा देर चाशनी में नहीं रखना है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और बाकी के जो हमने शेप से काटे हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। 350 ग्राम मैदे में बहुत सारे ऐसे खस्ता मीठी नाश्ता हम निकाल लेंगे। बहुत ही स्वाद बनेगा ये। आप ज़रूर से इसको ट्राई कीजिएगा। देखिए शेप भी इतना सुंदर आया है, देखते ही मन करता है कि खा लें। ज़्यादा दिन तक रहेगा भी नहीं क्योंकि सबको ही इतना पसंद है।